हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जर्नी ऑफ माय लाइफ एज यूट्यूबर। कैसे हो आप सब, बताना जरूर। और आज ना यहाँ पे धूप बहुत कम निकली हुई है, आप लोग देख सकते हो। धूप आज अभी चार क्या टाइम हो रहा है, अभी आज का तो ऐसा ही मौसम है। और आप लोग हमेशा इतना सपोर्ट करते हो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का प्यार और सपोर्ट रहता है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग बस ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहना, और धीरे धीरे ही सही, लेकिन बस कोई नहीं, कभी ना कभी तो आगे ज़रूर बढ़ेंगे। और इधर ये देखिए, सामने का है रोड, रोड थी, मेन रोड है, तो यहीं पे खड़ी हुई थी तो वीडियो बना लिया। धूप बहुत ही कम थी आज, धूप तो दोपहर में तो बिल्कुल भी धूप नहीं थी, अभी थोड़ी थोड़ी धूप लग रही थी। और छत में बस ऐसे ही, आजकल ठंडियों में तो अच्छा ही लगता है धूप में। और अभी आज बादल की वजह से बहुत ही कम धूप निकली हुई थी, तो चलिए कोई नहीं, सब लोग ज़्यादातर छतों में ही दिखाई देंगे। आजकल सर्दी का मौसम है ना, तो सर्दियों में तो सब लोग को बस धूप ही अच्छी लगती है, बाहर छतों में दिखते हैं लोग। और गर्मियों के सीज़न में रात में लोग छत में जाते हैं, तो वैसे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं काम तो लगा ही रहता है, सब कोई करता रहता है। और आप लोग बताइएगा कि आपके यहाँ ठंड कैसी पड़ रही है। और ये पीछे का बगल का ही है प्लॉट, ये बन रहा था, और ये साइड में मंदिर है, पीपल का पेड़ है पीछे साइड, और ये मंदिर है, थोड़ा सा दिख रहा होगा। तो यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, भजन वगैरह भी होता ही रहता है। और ये बगल जो इस साइड है ना, बाएं साइड, तो ये खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, अभी बना नहीं है। तो जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ का कुछ ऐसा व्यू है, अच्छा लगता है। छत पे कहीं भी रहो ना, रहने लगो तो अच्छा लगने लगता है। और इधर देखिए फ्रेंड्स, ये चने का साग, ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने चने का साग बनाया था, इस तरह से बना हुआ है। और ये मार्केट वाला साग आपको नहीं दिखा पाई थी बनाते हुए, बहुत देर लगी इसको मुझे बनाने में। ये ऐसे बनकर के रेडी हो गया है, और अभी इसमें बस तड़का लगाना बाकी है। और तड़का लगाएं, मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद है चने का साग, मेरा फेवरेट है, मैं बहुत खाती हूं। लिया था और इसी पे मैं तड़का लगाऊंगी। और ये है लहसुन। तो चने का साग जब फ्राई करते हैं उसमें तड़का लगाते हैं, सॉरी फ्राई नहीं करते, तड़का लगाते हैं, तो लहसुन और हींग को ही डालते हैं। अगर आप लोग चाहें तो मिर्च भी डाल सकते हैं, सूखे हुए लाल मिर्च। तो मैं यहाँ पे मिर्च नहीं डाल रही हूँ, बस लहसुन और हींग से ही मैं तड़का लगाऊंगी। तो आप लहसुन जितनी मात्रा में लेंगे उतना ही अच्छा बनेगा, उतनी अच्छी बनेगी, बनेगा चने का साग। तो यहाँ पे बस ये लहसुन पक जाएगी तो मैं तड़का लगा दूंगी साग में। और सभी लोग अलग अलग तरीके से इसको बनाते हैं, गांव में भी लोग जा, कोई कोई लोग ना इसको मिट्टी का जो होता है छोटा सा, तो उसी क्या बोलते हैं उसको, मिट्टी का दीप, हाँ दिए जैसा रहता है, उसी में लोग तड़का लगाते हैं, उससे और भी ज़्यादा टेस्ट आता है। तो सब कोई अलग अलग अपने अपने हिसाब से बनाता है चने का साग भी। और बहुत से लोग कुकर में पहले उबाल लेते हैं फिर बनाते हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं बनाती हूँ। मैं पहले पानी रख दूँगी किसी बर्तन में, भगोने में, उसके बाद उसमें दाल डाल देते हैं, नमक डाल देंगे, और फिर आटा, आप बेसन भी मिला सकते हो चने साग के साथ, और या तो फिर गेहूं का आटा या बाजरे का आटा। तो मैं ज़्यादातर चने का बेसन या फिर गेहूं का आटा ही मिला के उसको डाल देती हूँ, और जब वो पक जाता है तो बस उसको ऐसे ही उतार के रख देते हैं साइड में, फिर उसमें तड़का लगा लेते हैं, और बन गया चने का साग। बहुत ही आसान है बनाना, मुझे तो बहुत पसंद है बहुत ज़्यादा, कि मैं क्या बताऊँ आप लोग से। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार, बाय बाय, टेक योर केयर।